पनवेल भारत में महाराष्ट्र के नवी मुंबई के रायगढ़ जिले का सबसे अधिक आबादी वाला और विकसित शहर है, जिसे रायगढ़ का द्वार भी कहा जाता है। जीएनपीटी बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, पनवेल के पास है। ये बंदरगाह ज्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से आने जाने वाले मालवाहक यातायात को संभालता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने जाने वाले मालवाहक यातायात की जेएनपीटी से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कार्यकुशल मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित ये परियोजना मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कनेक्टिविटी कंपनी लिमिटेड यानी MJPCL की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें जेएनपीटी के 51%, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 43% तथा सिडको के 6% शेयर शामिल है। कुल 44.527 किलोमीटर लंबाई वाली और 3,400 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की इस परियोजना का आज केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण होने जा रहा है। साथ ही नेशनल हाईवे 48, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 548 तथा सायन पनवेल हाईवे को जोड़ने वाले कलम्बोली जंक्शन का उन्नतीकरण और सुधार कार्य एवं प्रस्तावित नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूर्वी प्रवेश द्वार जंक्शन का भूमि पूजन समारोह संपन्न हो रहा है। इस परियोजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पैकेज 1 अंतर्गत EPC तत्व पर नेशनल हाईवे 348 तथा 348A पर फुल क्लोवर लीफ कराल फाटा इंटरचेंज का निर्माण करना, 4.59 किलोमीटर लंबाई वाली और 539 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना में 5 ROB, 4 लूप्स, 4 रैंप तथा 2 एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिससे जेएनपीटी के प्रस्तावित चौथे टर्मिनल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पैकेज 2 अंतर्गत EPC तत्व पर नेशनल हाईवे 348 तथा 348A पर हाफ क्लोवर लीफ गवान फाटा इंटरचेंज का निर्माण करना, 18.27 किलोमीटर लंबाई वाली और 594.7 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना में 1 ROB, 1 फ्लाईओवर, 8 माइनर ब्रिज तथा 10 अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, पुराने मुंबई पुणे हाईवे तथा गोवा हाईवे की JNPT टर्मिनल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पैकेज 3 अंतर्गत EPC तत्व पर नेशनल हाईवे 348A तथा आमरा पर नेशनल हाईवे 348 का निर्माण करना, 11.09 किलोमीटर लंबाई वाली और 504 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना में 3 फ्लाईओवर, 2 मेजर ब्रिज, 4 अंडरपास तथा 1 एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इससे नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा मुंबई की JNPT टर्मिनल से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पैकेज 4 अंतर्गत EPC तत्व पर नेशनल हाईवे 348 तथा 548 पर नेशनल हाईवे 4B का निर्माण करना, 10.56 किलोमीटर लंबाई वाली और 414 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना में 2 ROB, 3 फ्लाईओवर, 4 माइनर ब्रिज, 1 मेजर ब्रिज तथा 5 अंडरपास का निर्माण किया गया है। इस कार्य से नेशनल हाईवे 48 तथा नेशनल हाईवे 66 से JNPT टर्मिनल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नेशनल हाईवे 48, 548, सायन पनवेल हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले कलम्बोली जंक्शन पर ट्रैफिक जाम की त्रासदी से जूझना पड़ता है, इसलिए इस जंक्शन का अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का उन्नयन तथा सुधार करने हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है। इस जंक्शन के कार्य की स्वीकृति विधायक श्री प्रशांत ठाकुर जी के प्रयासों से तथा पंजाब जंक्शन चिरनेर बारपाड़ा रसायनी ग्रीन फील्ड रोड से पुराने मुंबई पुणे हाईवे को चौक से जोड़ने के कार्य की स्वीकृति विधायक श्री महेश बाल्दी जी के प्रयासों से मिली है। भारतमाला परियोजना अंतर्गत 3,000 करोड़ रुपए की ये ग्रीन फील्ड परियोजना इन्हीं प्रयासों का फल है। ट्रैफिक की त्रासदी से छुटकारा पाने के लिए 32 किलोमीटर लंबाई वाले एक खास ग्रीन फील्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा। ये हाईवे पंजाब जंक्शन से मुंबई गोवा तथा मुंबई पुणे हाईवे को जोड़ने वाले चौक से गुजरकर पुराने मुंबई पुणे हाईवे तक जाएगा। इसी के साथ नई मुंबई के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूर्वी प्रवेश द्वार का उन्नतीकरण भी जोड़ा गया है। इस परियोजना हेतु 1200 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय द्वारा परिचालित इस परियोजना से मुख्य नेशनल हाईवे इनका JNPT से लिंकेज होगा।
देश के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या उत्तरी छोर पर बसे किसी भी गंतव्य स्थान की JNPT जैसे प्रमुख बंदरगाह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा भारी कंटेनर वाली यातायात को ट्रैफिक जाम की त्रासदी से छुटकारा मिलेगा। सुरक्षित और शीघ्र सफर से कीमती समय और ईंधन की बचत होगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।